Assalamualaikum class 8 students. How are you? I hope you all enjoyed your Eid holidays. कैसी गुजरी हैं आपकी छुट्टियाँ? Well, great. खूब enjoy किया. Good. Okay, let's get back to our studies. Today we'll revise our previous lessons about unit number 6. Unit number 6, revision of basic algebraic formulas. Okay, we'll revise the formulas and then we'll see how these formulas are used to solve the problems. Okay, ये वीडियो को आपने ध्यान से देखना है. ये आज हम रिवीजन कर रहे हैं, कल आपका टेस्ट होगा ऑफ दीज थ्री फॉर्मूलाज. पूरी एक्सरसाइज इससे रिलेटेड जो है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना. अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया और समझ लिया, यू विल इजीली बी एबल टू अटेम्प्ट योर टेस्ट विच इज ऑन ट्यूजडे. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला इज ए प्लस बी स्क्वायर. A plus B square is equal to A square plus 2AB plus B square. और ये कैसे आया है? A plus B into A plus B. Square को हमने इस तरह से लिख लिया 2 times. अब आप इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करके सिंपल मल्टीप्लाई करें. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमने यूनिट नंबर 5 में किया था. मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं? फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म और उसको फुल होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकेंड टर्म और उसको आपने सेकेंड होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें A into A, coefficients जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं. A का coefficient है 1, multiply A का coefficient है 1. 1 into 1 times 1, basis same है तो इनकी powers क्या हो जाएंगी? 8. A square plus A into B times AB, BA times BA प्लस बी इंटू बी टाइम्स बी स्क्वेयर. अब यहां आपने ये देखना है कि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव. इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव. इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास ए बी है तो वो बी ए के इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल आप 2, 3 को मल्टीप्लाई कर लें या 3, 2 को, आंसर विल बी सेम. तो कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि दो नंबर्स को आपने लिया, उनको ऑल्टरनेट पोजिशन चेंज करके भी मल्टीप्लाई किया, तब भी आपके पास क्या होता है? आंसर सेम ही आता है. सो मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव. इस प्रॉपर्टी को यूज करके आपने क्या किया? ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए, इसको हमने लिख दिया ए बी, तो 1 + 1 इज 2AB प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द स्क्वायर फॉर्मूला. आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, डिराइव द फॉर्मूला ए प्लस बी स्क्वायर. ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, डिराइव ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर. या फिर ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर. इज इट ओके? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड. नेक्स्ट,
सेकेंड फॉर्मूला इज a माइनस बी होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब आपने इसको भी चेक करना है कि किस तरह से फॉर्मूला आया है हमारे पास. a माइनस बी होल स्क्वायर को आप लिख लें a माइनस बी इंटू ए माइनस बी. अब आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म में और उसको सेकेंड होल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस बी टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई करें a इंटू ए टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी इंटू ए टाइम्स बी ए. अब ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस है तो इसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर वाला जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर. यहां फिर से हमारे पास वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव सो ए बी एंड बी ए आर इक्वल. तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन प्लस वन टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. और यहाँ साइन दोनों के साथ नेगेटिव है तो आपके पास साइन कौन सा आ गया, नेगेटिव साइन. तो इसका भी क्वेश्चन आपको इसी तरह आएगा. डिराइव ए माइनस फॉर्मूला फॉर ए माइनस बी स्क्वायर. या फिर आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट सी द थर्ड फॉर्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. अब जब इसके लिए आपको प्रूफ आएगा कि प्रूफ दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप इसकी राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड पे क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. चलो और मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें. a इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी. a इंटू ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर. ये प्लस माइनस जीरो हो गया, हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. हेंस प्रूव्ड. These are the derivations of these formulas. Now we'll apply these formulas to solve the problem.
फोर जीरोस 10,000, 10,000 प्लस 200 टाइम्स 200, 200 मल्टीप्लाई 7 इज 1400 प्लस 7 स्क्वायर इज 49. अब इनको ऐड कर ले तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर 11,449. This is the square of 107. इसको आप कैलकुलेटर पर भी लिख के चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर यही आ रहा है. ओके नेक्स्ट. What is 90 square? 9 times होता है 81. तो 90 square is 8100 minus 2 9 times 180. 183 times 540 plus 3 square is 9. 8109 को add करें, you will get 8109. इसमें से 540 सब्ट्रैक्ट कर दें तो यू विल गेट 7569. दिस इज द स्क्वायर ऑफ 87. ओके नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ थर्ड फॉर्मूला इज वैल्यूएट 107 मल्टीप्लाई 93. Evaluate 107 multiply 93. अब multiply तो आ रहा है. आपने क्या करना है कि ऐसे parts में इसको break करना है कि plus minus का difference हो और number same हो. ठीक है, तो आप सोचें अगर हम 107 को करते हैं 110 माइनस 3 तो 110 प्लस 3 इज नॉट 93. अगर 90 को हम करते हैं 90 प्लस 3 तो 90 माइनस 3 इज नॉट 107. अगर हम करें 100 प्लस 7 तो 107, 100 माइनस 7 93. वाओ, सो द पेयर्स आर 100 प्लस 7 एंड 100 माइनस 7. अब ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए आपके पास क्या है 100, बी आपके पास 7, ए प्लस बी, ए माइनस बी, नंबर्स आपके पास सेम होने चाहिए. डिफरेंस क्या होना चाहिए? जस्ट प्लस माइनस का. तो दिस इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर. अब आप इसको इवेलुएट कर ले. व्हाट इज 100 स्क्वायर? 10,000. व्हाट इज 7 स्क्वायर? 49. सब्ट्रैक्ट दीज टू, you will get 9,951. So this is
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है, रिप्लेस ए विद एक्स एंड बी विद वन बाय एक्स। एक्स माइनस वन बाय एक्स की हमें वैल्यू गिवन है विच इज फाइव, फाइव स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ कटिंग टू वन टाइम्स टू प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। इसको एक तरफ रहने दें, फाइव का स्क्वायर लिया आपने, क्या आ गया ट्वेंटी फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू। इसकी हमें वैल्यू चाहिए तो माइनस टू को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस टू। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन। This is the value of x square plus 1 by x square. अगर plus की value given होगी, for example, अगर यहां plus होता तो यहां formula में plus आ जाता, यहां plus, यहां plus, यहां plus, और फिर ये 25 के साथ 2 plus हो रहा है, वहां जाके minus हो जाता और answer हमारे पास आ जाता 23। सो मेथड इज सेम, जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि अगर प्लस हो रहा है तो प्लस होगा और अगर माइनस हो रहा है तो टू के साथ माइनस होगा। इज इट क्लियर? और अगर आपको एक्स रेज टू पावर फोर फाइंड आउट करना पड़े, एक्स रेज टू पावर फोर प्लस वन बाय एक्स रेज टू पावर फोर, तो देन व्हाट विल यू डू, सिंपली यू विल टेक द स्क्वायर अगेन। ये जो x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर आ गया है आपके पास, दिस इसका फिर से आप स्क्वायर ले, ठीक है? तो वो क्या आ जाएगा, x फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मैंने स्क्वायर लिया, ये कटिंग हो गए, x4 प्लस 1 बाय x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 23 स्क्वायर। अब x4 प्लस 1 बाय x4 यही रहेगा, 23 स्क्वायर लें आप, उसके साथ 2 को माइनस कर दें तो दैट इज द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1 बाय x4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर होमवर्क तो कुछ नहीं आपका, जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इस वीडियो में मैंने डेरिवेशन करवाई है फॉर्मूलाज की, वो आपने करनी है और एक्सरसाइज 6.1 को अच्छे से तैयार कर लेना है। टुमोरो आई विल टेक योर टेस्ट, ओके? सो बी प्रिपेयर्ड, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।